नमस्कार, एमवी हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने सदाबहार पौधे को तो सुना ही होगा। इसे सदाबहार या सदाफूली भी कहा जाता है। यह 12 महीने खिलने वाला एक ऐसा पौधा है जो सदाबहार के रूप में जाना जाता है। इसकी 8 जातियां हैं, इसमें से 7 मेडागास्कर में और 8वीं भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम कैंथोरेंथस है। इसको पश्चिमी भारत के लोग सदाबहारी फूली के नाम से जाने जाते हैं। इसको पश्चिमी भारत के लोग सदाबहार फूल के नाम से पहचानते और जानते हैं। विकसित देशों में रक्तचाप श्रवण की खोज से पता चला, सदाबहार झाड़ी में एक क्षार ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए यूरोप, भारत, चीन और अमेरिका के कई देशों में इस पौधे की खेती होने लगी है। अनेक देशों से इसे खांसी, गले की खराश और फेफड़ों की चिकित्सा में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे रोचक बात ये कि इसे मधुमेह यानी डायबिटीज की बीमारी में भी इस्तेमाल किया जाता है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि सदाबहार में कई ऐसे क्षार होते हैं जो रक्त में शक्कर की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। मधुमेह से ग्रस्त व्यक्ति के लिए सदाबहार या सदाबहार फूली पौधा बहुत ही लाभदायक होता है। यह कैसे लाभकारी है, आइए जानते हैं। सदाबहार की 3 या 4 कोमल पत्तियां चबाकर रस चूसने से मधुमेह यानी डायबिटीज के रोग से राहत मिलती है। सदाबहार के पौधों के 4 पत्तों को साफ धोकर सुबह खाली पेट चबाएं और ऊपर से 2 घूंट पानी पी लें। इससे मधुमेह मिटता है। यह प्रयोग कम से कम 3 महीने तक करना चाहिए। आधे कप पानी में सदाबहार के 3 ताजे गुलाबी फूल 5 मिनट तक भिगोकर रखें। उसके बाद फूल निकाल दें और यह पानी सुबह खाली पेट पिएं। यह प्रयोग 8 से 10 दिन तक करें। अपनी शुगर की जांच कराएं, यदि काम आती है तो 1 सप्ताह के बाद यह प्रयोग पुनः दोहराएं। तो इस वीडियो के जरिए हमने आपको बताया कि सदाबहार के फूल से आप अपने मधुमेह या डायबिटीज को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। हमारे द्वारा बताए गए उपाय या समाधान बड़े बड़े वैद्यों एवं आयुर्वेदाचार्यों की लिखी गई रचनाओं से लिए गए हैं। आप इन्हें पूरे विश्वास के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।